दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी DMRC की तरफ से देखने के लिए मिलेगी। DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी आपकी आ रही है। और गाइस, यहाँ पर बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इसमें आप सभी अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी तरफ से निकल कर आ रही है। तो गाइस, इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं, इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से जाकर फिल कर दीजिए। गाइस, यहां पर अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, ITI किया है या फिर आप सभी यहां पर BE BTech है। गाइस, अगर आपने BE BTech किया है या फिर आप नॉन टेक्निकल कैंडिडेट हैं, नॉन टेक्निकल कैंडिडेट पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, यहाँ सभी स्टूडेंट अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताने वाली हूँ इस फॉर्म को आप सभी कैसे फिल करेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ फिल करने में आसानी हो। तो चलिए, आप सभी को इसकी लिंक टेलीग्राम और साथ ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गाइस यहाँ पर ये जो आप लोगों को लिंक्डइन की प्रोफाइल दिख रही होगी, लिंक्डइन पर गाइस बहुत सारे ऐसे हमारे रिक्रूटर होते हैं जो इनकी वैकेंसीज़ को निकालते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी दिल्ली मेट्रो की तरफ से, देखिए HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड किसमें प्रोजेक्ट है, न्यू दिल्ली मेट्रो में प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। इसका गूगल फॉर्म है, देखिए गूगल फॉर्म भी यहां पे देखने के लिए मिलेगा, बट मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। गाइस, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये HC इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट है, इसमें आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपका गूगल फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नेम आप सभी को फिल करना है। उसके बाद देखिए आपका डिपार्टमेंट काफ़ी सारे रहने वाले हैं, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमारे टेक्निकल स्टूडेंट इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल है, साथ ही हाईवे डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, इसमें इन सभी डिपार्टमेंट में जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट हैं अप्लाई करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर HR के लिए हमारे नॉन टेक्निकल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और यहाँ आप लोग MTech वगैरह वाले अप्लाई करेंगे। स्टोर के लिए नॉन टेक्निकल कैंडिडेट, ग्रेजुएट कैंडिडेट, परचेज के लिए नॉन टेक्निकल एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलेंगे और सेफ्टी में आप लोग टेक्निकल अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉन टेक्निकल, क्वालिटी कंट्रोल में टेक्निकल स्टूडेंट, अकाउंट्स एंड जियो टेक्निकल, साथ ही डिज़ाइन, इन सभी में नॉन टेक्निकल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, डिप्लोमा BE BTech अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीडर की, यहाँ पर MTech वगैरह वाले अप्लाई करेंगे। सर्वे में हमारे जो भी कैंडिडेट हैं जैसे हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, MTech वगैरह कर रखा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए IT सिस्टम सपोर्ट, इसमें हमारे IT कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये सभी आपके डिपार्टमेंट है, ये बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलेंगे। जिस भी डिपार्टमेंट में आप लोग को अप्लाई करना है, जैसे बता देती हूँ एक बार, प्लानिंग में ऑल ब्रांच एलिजिबल रहेगी, हाईवे इसमें सिविल हो गया और आपका मैकेनिकल हो गया, इससे रिलेवेंट अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले डिपार्टमेंट में ओनली मैकेनिकल की ऑल ब्रांच यहाँ पर। बाकी देखिए यहाँ थोड़ा आप लोग देखेंगे सेफ्टी एंड फायर में आप लोगों ने करके यहाँ अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले इस डिपार्टमेंट में और बाकी IT सेक्टर वाले इसमें। तो ये इस तरीके से डिपार्टमेंट है। करंट पोजिशन आपकी क्या है यहाँ पर वो डाल सकते हैं और अगर आप ट्रेनी हैं तो ट्रेनी यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपकी पोजीशन है वो आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको क्या चूज़ करना है, देखिए मैंने आप चूज़ कर लूँगी यहाँ पर, हम लोग कुछ भी एक यहाँ पर डजेंट मैटर, आप लोग चूज़ कर लीजिए। हम लोग यहाँ इंजीनियर की चूज़ कर लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। और देन आप लोग यहाँ देखेंगे करंट मेट्रो प्रोजेक्ट, आप कहीं मेट्रो प्रोजेक्ट में वर्क तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए।
और टोटल एक्सपीरियंस, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है वो आप लोग डाल दीजिए। 1 ईयर का है तो 1 ईयर डाल सकते हैं, या फिर 2 ईयर का, 3 ईयर का, जितना भी है आपके पास आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए। देन आप लोग यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में एमटेक कर रखा है, बीई बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा से है। अब जैसे हमारे काफ़ी कैंडिडेट डिप्लोमा वाले भी होंगे या फिर बीई बीटेक वाले भी होंगे, एमटेक वाले भी होंगे, तो जो भी आपके क्वालिफिकेशन है गाइज यहाँ वो सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आईटीआई वाले हैं तो वो अदर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर डिप्लोमा वाले हैं तो आप डिप्लोमा यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। देन देखिए यहाँ अपना जो भी एजुकेशन है, आप अदर एजुकेशन भी कर रखे तो वो डाल सकते हैं, पासिंग ईयर, आपका करंट जो मंथ सैलरी होगा वो डालिए, एक्सपेक्टेड सैलरी, नोटिस पीरियड, एंड यहाँ आप न्यू दिल्ली में मतलब शिफ्ट होने के लिए रेडी हैं, अगर न्यू दिल्ली में आपका जॉब लगता है तो आप वहाँ जॉब करने के लिए रेडी हैं या नहीं तो आप येस कर दीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी अपना पर्सनल डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ एंड अपना सीवी यहाँ पर शेयर कीजिए, अपलोड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये आप लोग का फॉर्म रहेगा, इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर देना। और गाइस मैं आप लोगों को ये बात पहले ही बता देती हूँ, जब इस फॉर्म को ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देंगे तो इस फॉर्म की लिंक जल्दी ही ऑफ हो जाएगी, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि ये जो फॉर्म है आप सभी फिल कर पाए, इसका रिप्लाई आप सभी को आपके ईमेल पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन है मेट्रो रेल, यहाँ पर मेट्रो रेल की तरफ से, ये भी हमारा मेट्रो डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, इंडिया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। आप सभी जानते हैं इंडिया बुलेट ट्रेन बहुत मतलब कि स्पीड में ये ट्रेन चलती है। बाकी देखिए आप लोग देखेंगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC, ये इसका प्रोजेक्ट यहाँ पर हैंडल कर रहा है, मुंबई हैदराबाद में आपका ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहने वाला है, अंडरग्राउंड आपका पैकेजेस रहेगा, मुंबई लोकेशन रहेगी। बाकी देखिए इसके बारे में ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर गाइस हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी इसके अंडर आप लोग जॉब का वर्क करना चाहते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखिए प्लानिंग मैनेजर की निकाली गई है, इसमें सिविल ग्रेजुएट वाले अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि डिपार्टमेंट भी आपका अच्छा है, डिपार्टमेंट आपका सिविल वाला रहेगा, 15 से 20 साल तक का एक्सपीरियंस है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर का यहाँ आपका 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी रहेगी, मुंबई लोकेशन है। इसी तरीके से यहाँ डिजाइनर मैनेजर की रहेगी, ग्रेजुएट या फिर एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर वाले अप्लाई करेंगे, 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया है। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास इतना ज़्यादा हायर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये जो दी गई ईमेल आईडी है इस पर अपना सीवी शेयर कीजिए। और बाकी गाइस अगर आप लोग इस वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो इससे पहले DMRC की मैंने जो रिक्रूटमेंट बताई है उसके लिए अप्लाई कीजिए, वहाँ पर बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है और एक्सपीरियंस वाले इसमें अप्लाई करेंगे। और आप अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए ताकि गाइस किसी ना किसी के ये वैकेंसी काम आए। सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।